आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ देने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 50वां जन्मदिन है। सीएम के जन्मदिन पर सभी नेताओं ने ट्वीट करते हुए उनको बधाई दी है। साथ ही काशी में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार की शाम वाराणसी के 80 घाट किनारे विशेष आरती का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की रंगोलियों के दी गई, बल्कि उनकी फोटो के साथ साथ लोगों की सेल्फी लेने की होड़ भी दिखाई दी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना 50वां जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के तमाम जनपदों में लोगों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वही अगर बात वाराणसी की करी जाए, तो वाराणसी में 80 घाट के किनारे सीएम की फोटो के साथ सेल्फी लेने की होड़ लोगों में देखने को मिली, जबकि अयोध्या की बात करी जाए तो वहां पर 51 क्विंटल का एक लड्डू भी तैयार किया गया है। तो इस वक्त आप तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्म को लेकर, के जन्म दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता राघवेंद्र और गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अगर बात गोरखपुर की जाए, तो इस वक्त वहां का माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, सुबह योगी आदित्यनाथ जो है विश्व पर्यावरण दिवस की है पर्यावरण, तो ऐसे में उन्होंने वृक्षारोपण किया है। हालांकि अपने जन्मदिन के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन गोरखपुर के जनता में काफी उत्साह है। जनता गोरखपुर में, लोगों में बहुत उत्साह है और विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन शाम को सबसे मुख्य जो आकर्षण का केंद्र होगा, राप्ती नदी के तट पर भव्य आरती, महाआरती का आयोजन किया जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस पर। राघवेंद्र, अगर अयोध्या की बात करी जाए, तो वहां पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कई तरीके का कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, तो क्या कुछ तोहफा वो सीएम योगी को आज देने वाले हैं? कैसरगंज के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, तो इन्होंने कल शाम से ही सरयू तट पर उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने सरयू आरती की है। आरती करने के बाद वहां पे दुग्ध अभिषेक किया है। अगर आज की बात की जाए, तो आज जो है वो अयोध्या में 51 किलो का लड्डू बना है, उसको लेकर के जिस तरीके का केक कटता है, उसको काटा जाएगा, उसको बांटा जाएगा। और अगर यहाँ की बात की जाए, तो अयोध्या में आप अगर तस्वीरें देखेंगी, तो यहाँ पे एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लगभग कुछ नहीं, अगर बात की जाएगी तो 5 लाख लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हिमांशु, अगर हम गोरखपुर की बात करें, तो वो सीएम योगी का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत ही गोरखपुर से की थी। तो इस वक्त भाजपा कार्यालय के बाहर का माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, भाजपा कार्यालय हम दिखा दें कि भाजपा कार्यालय में हम खड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ अभी कोई नहीं है, क्योंकि नए कार्यालय है भाजपा का, बंगा रानी भी यहाँ पे और उनका 10 तारीख को शुभारंभ भी होना है। तो ऐसे में सभी लोग जो है मंदिर पे जाएंगे और मंदिर पे जाकर के दर्शन पूजन के कार्यक्रम करेंगे। जितने भी नेता हैं यहाँ पे, चाहे सांसद हो या विधायक हो या अन्य पार्टी के पदाधिकारी हो, सभी मंदिर पे जाएंगे, वहाँ गोरखनाथ मंदिर पे ही दर्शन पूजन का कार्यक्रम करेंगे। अगर हम अब चलते हैं राघवेंद्र के पास। राघवेंद्र, इस वक्त कई जनपदों के लोग अयोध्या पहुंचना शुरू कर चुके हैं, तो इस वक्त पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है और पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाएगी, तो पुलिस प्रशासन जो है वो कई जगह बैरिकेडिंग की है। और अगर बात करेंगे रामकथा पार्क की, तो रामकथा पार्क जो है वो छावनी में पूरा तब्दील किया गया है, जो कि पुलिस जो है वहाँ पे चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। और अगर बात करेंगे तो गलियों की, तो वहाँ बैरिकेडिंग करके और वहाँ का रास्ता बंद किया गया है। और 2 रास्ते ऐसे हैं जो कि खोले गए हैं वहाँ से, कि एक रास्ते से एंट्री होगी और दूसरे रास्ते से एग्जिट होगा। तो अगर वहाँ जो जनता पहुँच रही है, तो उनके बैठने का इंतजाम पूरे रामकथा पार्क में किया गया है, उनके खाने पीने के लिए इंतजाम किया गया है। और अगर बात की जाएगी तो साधु संतों के अयोध्या के, तो वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ में वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ है। जी मुस्कान, यानी अगर अयोध्या का हम देखें, तो वहाँ पर पहले मंत्रोच्चारण के साथ जन्मदिन मनाया जाएगा, फिर उसके बाद ही बाकी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
बिल्कुल सबसे पहले अगर बात की जाएगी तो जन्मदिन जन्मोत्सव मनाने की तो वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ में ये इनका जन्मदिन मनाया जाएगा। जन्मदिन के बाद में आपको बता दूं कि क्या होता है, कुंटल का जो लड्डू है उसको काटा जाएगा। काटने के बाद जो लोग वहां पे इकट्ठा हैं, जो साधु संत वहां इकट्ठा हैं, तो उनको वो वितरित किया जाएगा। वितरित करने के बाद वो अगला कार्यक्रम उनका जो सरयू घाट पर है वो भी होगा। जी हिमांशु, गोरखपुर में सीएम योगी की एक अलग ही पहचान है, वहां पर उनकी लोकप्रियता कुछ अलग ही है, तो आज आम लोगों ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है सीएम योगी के जन्मदिन को लेकर? बिल्कुल बता दें कि गोरखनाथ मंदिर जो मठ है, मठाधीश है योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मुखिया है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है, तो यहाँ पे जो जनता है काफी उत्साहित है, क्योंकि शुरू से ही योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे तो लोगों से जुड़े हुए थे, आम लोगों के बीच में जाते थे, उनकी समस्याओं सुनते थे, निस्तारण करते थे, किसी भी छोटी बड़ी घटनाओं पे वो पहुंच जाते थे और उसका संज्ञान लेते थे, तो यहाँ के लोग काफी उत्साहित हैं और उनसे बड़ा काफी प्रेम करते हैं, तो ऐसे में विभिन्न संस्थाओं द्वारा और लोगों द्वारा जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। दिन भर किसी को खाना खिलाने का कार्यक्रम है, तो कोई पूजा कर रहा है, तो ऐसे में कई कार्यक्रम है, लेकिन विशेष जो गोरखपुर का कार्यक्रम होगा शाम को जो है राप्ती तट पे, जो आप कहते हैं कि श्री राम तट पे हो या फिर गुरु गोरखनाथ तट पे हो, वहाँ पे भव्य आरती का कार्यक्रम किया जाएगा योगी आदित्यनाथ के जन्म उत्सव के मौके पर। राघवेंद्र, आज अयोध्या में लोगों का भारी जन सैलाब देखने को मिलेगा, तो तकरीबन कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, जो आधिकारिक पुष्टि की गई है उसको लेकर के अगर पुलिस प्रशासन और शासन के इंतजाम जो किए गए हैं वो लगभग 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जो कि बता दें आपको कि गोंडा से हैं, बाराबंकी से हैं, बहराइच से हैं, अयोध्या के साधु संत हैं और जौनपुर से हैं, तो ये कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 5 लाख लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। जी हिमांशु, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर मौजूद रहते हैं, जब भी कोई बड़ा अवसर होता है तो वो गोरखपुर में जरूर शिरकत करते हैं, और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ देखा जाए तो दो उनका जो कार्यकाल रहा है उस दौरान सीएम योगी काफी लोकप्रिय नजर आए, तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है या लोग सीएम योगी के काम से कितना खुश नजर आ रहे हैं गोरखपुर में? आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल है, 2.0 की सरकार है, और ऐसे में यहाँ के लोग काफी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर जिसको कभी लोग जानते नहीं थे कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जबकि पूर्वांचल के बड़े जिले में आता है, तो ऐसे में लोग ये सोचते थे कि बिहार का भाग है, लेकिन आज इसको पहचान मिली हुई है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूरी तरह से इसमें डेवलपमेंट हुआ है, रोडों का चौड़ीकरण है, नालों की जो है साफ सफाई है उनका चौड़ीकरण, तो हर तरीके से जनता को सुविधा मिल रही है, बिजली की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें काफी सुविधा मिली है, सहूलियत मिली हुई है, तो लोग काफी उत्साहित रहते हैं और योगी आदित्यनाथ चूंकि सबसे लोकप्रिय यहाँ पे नेता रहे हैं तो ऐसे में उनको सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। राघवेंद्र, आज अयोध्या में बेहद ही शानदार तरीके से सीएम योगी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, तो इस दौरान और किन किन तमाम नेताओं की शिरकत करने की उम्मीद जताई जा रही है अयोध्या में? देखिए, अगर बात करेंगे तो सांसद ब्रजभूषण सरन सिंह के बाद जो है उनके बेटे जो है वो विधायक है प्रतीक भूषण सिंह वो है, उसके बाद गोंडा के दो विधायक और हैं, अयोध्या से भाजपा के जो नेता है वो है सांसद लल्लू सिंह है और जिला अध्यक्ष संजीव सिंह है, तो इनको लेकर के जो है अगर बात की जाएगी तो बीजेपी के जिले के जो भी नेता है वो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जी धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राघवेंद्र आपका भी धन्यवाद अयोध्या से हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मोत्सव को लेकर प्रदेश के कई जनपदों में धूम देखने को मिल रही है, जबकि वहीं अगर बात अयोध्या की करें तो वहां सांसद ब्रजभूषण सिंह सीएम योगी का जन्मोत्सव खास बनाने के लिए 51 कुंटल का लड्डू भी बनवाए हैं। साथ ही अगर बात करी जाए तो तमाम जो नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो भी लगातार सीएम योगी के जन्मोत्सव पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, ये सभी तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मोत्सव पर ट्विटर के जरिए बधाई दी है। तो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक राजनीतिक सफर में एक लंबी पारी खेलने के बाद लोकप्रिय हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। भगवाधारी
बुलडोजर बाबा, ये तमाम ऐसे नाम है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में जिक्र करते हैं। और आज देखा जाए तो सीएम योगी अपने एक्शंस को लेकर अपराधियों, दंगाइयों के खिलाफ अपने एक्शन और कानून बनाने को लेकर पूरे देश भर में जाने जाते हैं। तो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अयोध्या में जहां एक तरह की 51 क्विंटल का लड्डू दिखाई दे रहा है, तो वहीं वाराणसी में फोटो के साथ सेल्फी लेने की भी होड़ लगी हुई है। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। आज कोर्ट में मुख्य आरोपी जफर को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश पर उपद्रवियों पर रासुका लगेगी और अब तक 24 की गिरफ्तारी हुई है और 18 लोग जेल भी भेजे जा चुके हैं। आरोपी को रिमांड में लेने के लिए पुलिस सबूत भी जुटा चुकी है। तो आपको बताते चले कि कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ इस मुद्दे को लेकर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, तो लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और उन पर लगातार कार्रवाई की जाए। वहीं अगर बात करें तो बीते दिनों इस कांड का मास्टरमाइंड जफर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? जी, आपको बता चला कि अभी कुछ ही देर बाद जो है जफर को जो है कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। आज संडे होने के बाद स्पेशल कोर्ट में जो है जफर को जो है पेश किया जाएगा। उसके बाद जो पुलिस है वो साक्ष्य के आधार पर वो जो है इनको जो है 14 दिन की रिमांड पर लेने के लिए बोल रही है। उपेंद्र, इस वक्त आप जहाँ पर जफर को पेश किया जाएगा वहाँ मौके पर मौजूद है, तो वहाँ की स्थिति कैसी बनी हुई है? अब देखा जाए तो जो जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो एसपी अजय पाल शर्मा को जो भेजा था, उन्होंने पूरा कल से लेकर के और अभी तक पूरा मामला होल्ड रखा हुआ है। कई गिरफ्तारी कर चुकी है और देखा जाए तो आपको पता चले कि जो एक पोस्टर वायरल हुआ था 5 जून को लेकर जेल भरो आंदोलन वाला, उस पोस्टर को लेकर के आज कानपुर में जो है आसपास के जो जिले हैं उनके सारे जिलों की जो है फोर्स है यहाँ पे तैनात कर दी गई है। हो सकता हो कि जहाँ पे घटनास्थल है वहां से जो कोर्ट है वहां लगभग 1 किलोमीटर का रेंज है, उसके बीच कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर के आसपास के जो जिले हैं उनकी पुलिस सक्रिय कर ली गई है। उपेंद्र, लगभग कितने बजे तक आरोपी को कोर्ट में लाया जाएगा? देखिए, आज पता चले न्यायालय जो आज रविवार का दिन है वहाँ बंद रहता है स्पेशल कोर्ट में, जहाँ तक लग रहा है कि 2:30 से 2:30 या 2:30 के बीच में किसी भी टाइम लगा करके उनको पेश करेंगे जफर को। और आप बताते चले मुस्कान, बताओ जी, आपको बताते चले मुस्कान की जो जफर का जो इंस्टा है इंस्टाग्राम है व्हाट्सएप है उसको लेकर के कुछ साक्ष्य जो है मिटाने की कोशिश की थी पुलिस द्वारा, जिसमें कमिश्नर जो है वो सक्रिय हो गए और सख्ती से हिदायत दी है पुलिस विभाग को दी है कि कोई भी किसी साक्ष्य से छेड़खानी नहीं करेगा। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो जफर का नाम सीए एनआरसी मुद्दे में भी सामने आया था, जबकि अब उनका पीएफआई कनेक्शन भी निकल कर सामने आया है, तो क्या वजह रही जो पुलिस ने अभी तक इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं की या इतनी ढिलाई क्यों बरती गई? उसमें कहीं ना कहीं देखा है तो पुलिस विभाग जो है उसमें जो है उसकी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग प्लान से जफर जो है जिस दिन ये घटना हुई थी उसके 3 से 4 दिन पहले एसपी और एएसपी और उसके बाद कमिश्नर कानपुर से एक मीटिंग हुई थी बाजार बंदी को लेकर के, अगर चाहते पुलिस विभाग तो इतना बड़ा विवाद ये ना होता। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बिल्कुल फुल प्लान कभी किया गया था, जैसे आपने देखा होगा पहले वीडियो में कि जो पेट्रोल के बम फेंके गए थे और पथराव किए गए थे ये, और सरकारी संपत्तियां कुछ खराब करी गई हैं और लोगों को चोटिल भी हुए हैं लोग, फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ पुलिस ने जो है लापरवाही बड़ी की है और आलातकारियों को साफ कहना है, इसलिए सूबे के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जो है मॉनिटरिंग के लिए एसपी लखनऊ को कानपुर भेजा हुआ है। उपेंद्र, अगर देखा जाए तो ये जो हिंसा हुई ये कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं थी, ये एक बेहद ही बड़ी हिंसा थी और इसकी प्लानिंग बिल्कुल जरूर सी बात है कि पहले से ही की जा रही होगी, तो आखिर पुलिस को इस बड़ी हिंसा की भनक कैसे नहीं हुई, आखिर पुलिस से कहां चूक हो गई जो इतनी बड़ी हिंसा कानपुर में हो गई? जी, आपको पता चले जफर जो है जहां रहता था उसके घर से 200 मीटर पे ये चौकी बनी हुई है, सद्भावना चौकी जिस चौकी है, और चौकी जहाँ से जफर का जो है लगभग उठना बैठना ऐसा था कि जैसे याराना हो। अभी कुछ फोटो वायरल होने वाली है, देखा जाए तो फेसबुक इंस्टा और जो व्हाट्सएप जो है जफर का उसको किसी तरीके से प्राइवेसी लगा दी गई है, कोई सोशल मीडिया फोटो निकल नहीं पा रही है। और आपको बताते चले
कि जो चौकी बनी थी और जो इंस्पेक्टर बेकरगंज कानपुर के हैं, इन लोगों का जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित पहले ही दिन कर दिया गया था और जो कमान जो है अब वो साउथ की टीम संभाल रही है। उपेंद्र, बात करें जाए तो कानपुर में कहीं ना कहीं अभी भी एक माहौल जो है वो गर्माया हुआ है, तो इस वक्त कानपुर की स्थिति कैसी बनी हुई है, वहां का क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी बताएं आपको, 5 तारीख जो पोस्टर आया हुआ था उसको लेकर के पुलिस पूरी सक्रियता निभाई हुई है और क्षेत्रीय लोगों से अगर बोला जाए, सूत्रों से माने कि हाँ कि वो जफर के कुछ ऐसे साथी हैं वो भी सक्रिय हैं आज 5 जून को लेकर के जेल भरो आंदोलन को लेकर के, इसलिए पुलिस जो है बराबर जो है और अपनी शक्ति तैयारी कर लिए और या कानपुर देहात और उसके बाद बिल्हौर चौबेपुर और आस पास के जो जिले हैं उनके फोर्स जो है यहाँ पे तैनात है। उपेंद्र, इस मामले पर लगातार जो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो अभी तक कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुई है और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? जी उसमें देखा है तो एक जो घायल हुआ व्यक्ति था उसने एक मुकदमा लिखाया था और 2 मुकदमे पुलिस ने लगाए, टोटल 3 मुकदमे लिखे हुए हैं जिसमें 40 लोग ज्ञात हैं और 1000 लोग अज्ञात हैं। उपेंद्र, अगर बात करी जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश को दंगा मुक्त बना दिया है, अक्सर सीएम योगी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से आज सीएम योगी के इस बयान पे भी प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है, जो कानपुर में इस हद तक हिंसा भड़क गई। उपेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बता दें कि कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का लगातार एक्शन जारी है और आज कोर्ट में मुख्य आरोपी जफर को पेश किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो एक बार फिर हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर बात करी जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो लगातार ये दावे और वादे करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश को दंगा मुक्त बना दिया है, तो आखिर इतनी बड़ी जो लापरवाही रही इसका जिम्मेदार कौन ठहराया जा रहा है, कौन है कसूरवार कानपुर की हिंसा का? जो कानपुर की हिंसा का जो कसूरवार देखा जाए तो कहीं ना कहीं जफर के जो फोन को जो हैक किया गया था उसमें सर्विलांस जो नंबर निकले हैं उसमें कई सफेदपोश नेताओं के नंबर निकले हैं और जो सफेदपोश नेताओं का उजागर की जगह कि आपको क्या बताते चले, इससे पहले जो घटना हुई थी याद होगा आपको बिकरू कांड जिसमें विकास दुबे का नाम आया था, उसको सरेंडर किया, पुलिस ने सरेंडर किया, उसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया था, उसी तरीके से कहीं ना कहीं सवाल निशान नजर आ रहा है कि जफर के जो कॉन्टेक्ट है ऐसा ना हो कि बड़े लेवल पे नेता के हो और उसके बाद कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाए, पर हाँ देखा जाए तो सवालिया निशान यहाँ पे तो चूक हो भी नहीं सकती है क्योंकि पुलिस कमिश्नर के अंडर में जो है जफर इस टाइम है और सुरक्षित कोर्ट लाया जाएगा, उसके बाद रिमांड 14 दिन की रिमांड के बाद कुछ बड़े नए नाम और अच्छे लोगों के नाम है जैसे विधायक सांसद और कुछ आईपीएस लोग हैं वो कुछ टच में है जफर के। उपेंद्र, यानी ये कहा जाए कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई तमाम ऐसे बड़े विधायक नेता या कई अन्य बड़े नाम भी शामिल होने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल। उपेंद्र, इस वक्त कानपुर की जो भी मौजूदा स्थिति है आप उस पर निगाह बनाए रहेगा, लेकिन जाने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे लेना चाहूंगी कि इस वक्त जो पुलिस के आगे की स्ट्रेटजी है वो पुलिस ने क्या तय की गई है कि वो और अपराधियों पर और दंगाइयों पर किस तरह से कार्रवाई करेगी? जी आपको बता चला जो अगर यहाँ पे किसी तरीके से अगर कोई दंगा होने की उम्मीद अगर होती है तो पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है और पूरे उस हाथे को पूरी चारों तरफ से छावनी में तब्दील कर रखा है, पीएसी लगी रखी है और सीआरपीएफ यहाँ जवान आ चुके हैं, वज्रवान आपको मेरे पीछे दिख भी रहा होगा, वज्रवान भी यहाँ पे आ चुके हैं और बिल्कुल पुलिस पूरी तरीके मुस्तैद है और कोर्ट में जो सुरक्षा है वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था जो है कोर्ट में है वो भी पुलिस के कंट्रोल में है। धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आपने देखा कि जहाँ पर इस कांड के मुख्य आरोपी को पेश किया जाएगा वहां पर हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे हमें, वो उस वक्त मौके पर मौजूद थे जहां उन्होंने बताया कि इस वक्त जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है ताकि जफर को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। वहीं आपको बता दें कि आज रविवार का दिन है लेकिन इसके बावजूद भी जफर को आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो